पार्टी की चर्चित और मछली शहर से प्रत्याशी प्रिया सरोज पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें, उन पर लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति मड़ियाहूं गांधी तिराहे पर नुक्कड़ सभा करने व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने का आरोप लगा है। उड़नदस्ता टीम ने बिना अनुमति नुक्कड़ सभा करने व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। ऐसे में कोतवाली में तहरीर दिया गया था, जिस पर मड़ियाहूं पुलिस ने प्रिया सरोज व उनके समर्थकों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मड़ियाहूं विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज पर बिना अनुमति के जगह जगह नुक्कड़ सभा करने व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने हाल ही में मछली शहर से प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया।